बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, ये शुरू करें द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, और इसमें पढ़ रहे हैं आज एस्टिमेशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो एस्टिमेशन तो बाद में, वो इंटरप्रिटेशन बाद में करेंगे, पहले एस्टिमेशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बाय ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये स्टेनमेंट की बुक है, चैप्टर नंबर 2। मैं यहाँ से आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा कि क्या चीज है। ठीक है, एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल विद ओएलएस। ठीक है, सो ये शुरू करते हैं इससे। ठीक है, लेट सपोज वी हैव दिस रिग्रेशन, द पर्पस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, लेट सपोज दिस इज थियोरेटिकल, दिस इज थियोरेटिकल मॉडल। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा हुआ है, एप्सिलॉन आप यूआई ले लें। ठीक है, मैं यू आई लूंगा रिग्रेशन में। ठीक है, बाद में, सो दिस इज अ थ्योरेटिकल रिग्रेशन और ये क्या है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन है। ओके, ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन है। सो क्या करना है, यहाँ देखिए, ये थ्योरेटिकल रिग्रेशन हो गया, वाई आई इज इक्वल टू बीटा, देखें इसने कौन सा बीटा यूज किया है, बीटा नॉट यूज किया है। ठीक है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस यू आई। ठीक है, अच्छा अब देखें, इधर यहां पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये है कि अगर इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये है कि अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगा ना, ठीक है, एस्टिमेटेड का, तो ये लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर होगा, बिल्कुल सीधी लकीर होगी। ठीक है, या पॉजिटिव स्लोप होगा तो बिल्कुल इस तरह, नेगेटिव स्लोप होगा तो बिल्कुल सीधी लकीर होगी, मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन ये बिल्कुल सीधी लकीर होगी। ठीक है, अच्छा बाज बुक्स में ये एप्सिलॉन होगा, ठीक है, बाद बुक में ये ई आई होगा, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, एरर टर्म है। ठीक है, अच्छा बाद बुक में स्लोप के लिए बीटा वन लिखा होगा, यहाँ पर बीटा टू लिखा होगा, अगर गुजराती की बुक हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बीटा वन बीटा टू एक्स टू लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मतलब इसको हम कौन सा पैरामीटर कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं, और इसको हम स्लोप पैरामीटर कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये बीटा वन क्या है, इंटरसेप्ट है, और बीटा टू क्या है, स्लोप पैरामीटर है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने रिग्रेशन यहाँ ले ली, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल रिग्रेशन। ओके, अब यहाँ पर एस्टिमेटेड रिग्रेशन क्या हो जाएगी, एस्टिमेटेड रिग्रेशन हो जाएगी वाई हेड, दिस इज वॉट, दिस इज एस्टिमेटेड रिग्रेशन, आप यहाँ लिख लेंगे, एस्टिमेटेड रिग्रेशन ऑफ द थ्योरेटिकल रिग्रेशन इज बीटा नॉट हेड प्लस बीटा वन हेड एक्स आई। ठीक है, ये क्या हो गई, एस्टिमेटेड रिग्रेशन हो गई। ठीक है, तो जब ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन हो गई, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, इन दोनों में y माइनस y हेड, जाहिर बात है इन दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, u हेड। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, u हेड कहेंगे। ठीक है, और स्टेटमेंट ने उसको e से डिनोट किया है। ठीक है, मैं उसको कैसे डिनोट कर रहा हूं, मैं उसको डिनोट कर रहा हूं u हेड से। ठीक है, और यहां पर इसने एप्सिलॉन यूज किया है, इसकी जगह मैं यूज कर रहा हूं u। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल। यू हेड को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेजिडुअल। ठीक है, इसके इसके बाद में इसकी इंटरप्रिटेशन और चीजें पढ़ेंगे, ये रेजिडुअल है। व्हाट इज रेजिडुअल, रेजिडुअल इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है, ऑफ द रिग्रेशन। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, और ये क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नोन एज रेजिडुअल। सो व्हाट इज रेजिडुअल, रेजिडुअल इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट इज द एंड द एस्टिमेटेड रिग्रेशन वैल्यू, एस्टिमेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये देखें इधर, ये क्या है, ये देखिए इधर एस्टिमेटेड इक्वेशन है, या एस्टिमेटेड हो गई। ठीक है, इस ऊपर पेज में चले जाए तो यहां ये क्या है,
ये कौन से थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई, क्या हो गई, ये थ्योरेटिकल, ये देखें थ्योरेटिकल इक्वेशन, ये थ्योरेटिकल इक्वेशन, ये तो थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल डिपेंडेंट वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द थ्योरेटिकल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड द एस्टिमेटेड इज नोन एज रेजिडुअल। ओके, अब हमने क्या करना है, ये रेजिडुअल जो है ना, मैं आपको यहाँ पर ग्राफ में बताऊं। लेट सपोज आपके पास यहाँ एक्स है, ये वाई है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक्चुअल थ्योरेटिकल ये एक्स एक्स ये फॉर एग्जाम्पल वैल्यू हो गई एक्स की, उसके सामने वाई की वैल्यू हो गई, फिर जी ये इसकी वैल्यू हो गई, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की, ये मुख्तलिफ वैल्यूज है ना, ये देखें अभी इधर, तो ये देखें इधर, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, मुख्तलिफ एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनको मिला लूं, ये इस तरह बन जाएगा ना, ये एक्चुअल जो रिग्रेशन इस तरह बनती है, ठीक है। अब अगर मैंने इस पे लीनियर एस्टिमेटेड रिग्रेशन रन कर लिया, सपोज ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन है, ठीक है, लेट सपोज ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन आ गई वाई हेड, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर एक्स, ये वैल्यू है वाई की, और इसके सामने ये किस चीज की वैल्यू है, ये वाई हेड है। तो देखो वाई और वाई हेड में डिफरेंस आ गया, वाई हेड की वैल्यू ज्यादा है, वाई की कम है। अब यहां इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, वाई हेड कम है, वाई ज्यादा है, सो डिफरेंस है, ठीक है, वाई और वाई हेड में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, यू हेड कहते हैं, रेजिडुअल कहते हैं, या इस बुक में देखें तो ये ई है, ई रेजिडुअल कहते हैं। तो ये रेजिडुअल कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, ठीक है, क्या होता है, ये रेजिडुअल कभी पॉजिटिव होता है, ये कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। तो इसका सम हमेशा समेशन यू हेड जो होगा वो जीरो के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। जब ये जीरो के बराबर होता है तो हालांकि इसका मतलब है, जब सम जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वाई एंड वाई हेड, जिस चीज के डिफरेंस में, उसके सम में डिफरेंस अगर जीरो आता है तो हम कहेंगे जिसमें तो डिफरेंस ही नहीं है। यहां से ये हमें पता चलता है कि जी एन में तो डिफरेंस है ही नहीं, क्यों, क्योंकि समेशन वाई यू हेड इज इक्वल टू जीरो। वाई इट इज जीरो बिकॉज सम यू हेड आर पॉजिटिव एंड सम यू हेड आर नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव होती है कुछ नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो सम उसका क्या आता है, जीरो, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहां पर, फिर चूंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए हमने क्या करना है, यू हेड को स्क्वायर कर लेना है, क्या कर लेना है, यू हेड को स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाए, जब जब इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो यहां पर भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सम कर लो, जाहिर बात है सम को, अब हमने क्या करना है, इसको हम कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल, इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे पैरामीटर मालूम करने हैं, ये बीटा नॉट और बीटा वन की ऐसी वैल्यूज मालूम करनी है, वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन हेड व्हिच मिनिमाइज दिस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल। व्हाट, वी हैव टू फाइंड दिस बीटा नॉट हेड एंड बीटा वन हेड, ठीक है, ऐसे मालूम करना है कि ये मिनिमाइज कर दे समेशन यू हैड आई स्क्वायर को। व्हाट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन इन सच ए वे दैट इट मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल। इफ वी सक्सीडेड इन दिस, अगर हम इसमें कामयाब हो गए, सो हम क्या हो जाएगा, जो पैरामीटर मालूम हो जाएंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे ओएलएस पैरामीटर्स, क्या कहेंगे ओएलएस, क्यों कहते हैं उसको ओएलएस, आया देखें इधर,
देखें इधर, यहां से देख लें इधर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग दीज एस्टिमेट। हमने चूंकि एस्टिमेट मालूम करना है, ये चीजें मालूम करनी है, बीटा नॉट और बीटा वन हेड मालूम करना है ना, इनकी वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज मालूम करनी है। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी हो कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल को मिनिमाइज कर दे। क्या कर दे इसको? क्या कर दे इसको? मिनिमाइज कर दे। तो लिखते हैं ना, इन द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग दीज एस्टिमेट्स, कि जो एस्टिमेट्स हैं ये इनकी ऐसे एस्टिमेट मालूम करना। मेथड कौन सा होगा? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ओएलएस, व्हिच हैज बिकम द स्टैंडर्ड दैट इट्स एस्टिमेट आर प्रेजेंटेड एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये चूंकि ये बेहतरीन एस्टिमेट्स हैं तो इसलिए इसको एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस यूज किया जाता है। और क्या है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर? ये डेफिनेशन है उसकी। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर ओएलएस इज ए रिग्रेशन एस्टिमेशन टेक्निक। इट इज अ टेक्निक, इट इज अ वन, इट इज अ टेक्निक, रिग्रेशन एस्टिमेशन टेक्निक। इससे हम, ये ऐसे टेक्निक है जिससे हम पैरामीटर्स मालूम करेंगे। ठीक है, दैट कैलकुलेट द बीटास इज टू मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल। जो मिनिमाइज करे किसको? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल। ये चूंकि इसको मैंने अभी समेशन यू हैड आई स्क्वायर लिखा है, तो ये उसको क्या कर दे? मिनिमाइज कर दे। ओके, व्हाट इज ओएलएस मेथड? ओएलएस मेथड इज अ टेक्निक, ठीक है, एस्टिमेशन टेक्निक, ठीक है, दैट कैलकुलेट या विच दैट कैलकुलेट्स द बीटास एस टू मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। अभी सिर्फ मैंने क्या कर लिया है, वी हैव जस्ट डिफाइंड द ओएलएस। ठीक है।